Hello friends, welcome to another video of web development. In this video we will learn what is website and what is its types. अब तक के लिए जितना भी हमने लर्न किया है वो एक बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत है, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो में हम वेबसाइट के टाइप्स देखेंगे, वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वेबसाइट का। इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद, इन चीज़ों को लर्न करने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। हम अपना कंप्लीट कोर्स जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी बहुत ज़्यादा कम है, बट जो बेसिक्स चाहिए होती हैं हमें नॉलेज के लिए, कुछ हमें पता होना भी चाहिए इन चीज़ों का, उनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो व्हाट इज़ वेबसाइट? अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। फ्रेंड्स, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये एक कलेक्शन होती है वेब पेजेस की, ठीक है। इसे आप कैटलॉग कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं इसके अंदर। रिलेटेड कंटेंट मीन के इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा, कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा इसका, कोई इसका स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप बना सकते हैं इसको, आप किसी भी पोर्टफोलियो के रिलेटेड बना सकते हैं आप इसको, बट समथिंग एल्स कोई पर्पस होगा आपका वेबसाइट बनाने का, वेबसाइट डेवलप करने का, डिज़ाइन करने का, ठीक है। और उन्हीं से रिलेटेड जो उसके पेजेस होंगे, वेब पेजेस होंगे, उनकी जो कलेक्शन होगी उसे हम वेबसाइट कह रहे होते हैं। एंड इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम, इट्स मीन के वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक नेम होगा। एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वेब सर्वर, इट्स मीन के हमने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, डिवेलप भी कर ली, बट वो हमारे इसी पीसी के अंदर पड़ी हुई है, ओके। कोई मतलब ग्लोबली उसको एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे, हमने उसको पब्लिश नहीं किया, हमने उसको मतलब के होस्ट नहीं किया, तो इस चीज़ को हम जो है ऑफलाइन कह रहे होते हैं, और डॉक्यूमेंट कह सकते हैं बट वेबसाइट नहीं कह सकते। वेबसाइट वही चीज़ होती है जो हम ग्लोबली एक्सेस कर सकें और उसको डिफरेंट डिवाइसेस पर, डिफरेंट डोमेन्स पर उसको एक्सेसिबल कर सकें। जैसे कि नोटेबल एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं, विकीपीडिया, इट्स मीन के जैसे कि आपको पता होगा विकी का, विकी के ऊपर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हर एक कंटेंट से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। google.com एक सर्च इंजन है, आप इसको भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ये सारी वेबसाइट्स हैं। amazon.com इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेबसाइट, ओके। सो इट्स योर टास्क टू गूगल इट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ओपन गूगल एंड सर्च व्हाट इज वेबसाइट। फ्रेंड्स, वेबसाइट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ही कम नॉलेज दी है अभी के लिए, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था। आपने काइंडली इस लेक्चर के बाद गूगल को ओपन करना है, ठीक है, और उसके अंदर सर्च करना है कि व्हाट इज़ वेबसाइट। आपको उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने उसको लर्न करना है, ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स। सो टाइप्स ऑफ वेबसाइट, अब हम वेबसाइट की टाइप्स लर्न करेंगे कि वेबसाइट की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो वेबसाइट कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक टाइप्स, नंबर वन स्टैटिक वेबसाइट एंड नंबर टू डायनामिक वेबसाइट। अब फ्रेंड्स, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट क्या होती हैं? ये वेबसाइट की दो टाइप्स होती हैं और वेबसाइट इन्हीं दो टाइप्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है। हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये जो टाइप्स हमने अभी मेंशन की हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट इज़ वन डैट हैज़ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द सर्वर इन द फॉर्मेट डेट इज सेंड टू अ क्लाइंट वेब ब्राउजर। इसका मतलब यह है कि एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो कि एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज हो, ठीक है, और उसको स्टोर किया जाए एक सर्वर के ऊपर। सर्वर का नेम, सर्वर का मीन्स ये है, सर्वर का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि होस्टिंग कर रही हो, लाइक अभी हम जो है ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये स्लाइड प्रिपेयर की हैं, बट ये मैं परफॉर्म किसके ऊपर कर रहा हूँ, ये मैं पावर पॉइंट के ऊपर कर रहा हूँ। पावर पॉइंट इज़ लाइक अ होस्ट, ठीक है, हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, हम उसके ऊपर अपना कंटेंट डिस्प्ले कर पा रहे हैं, और कंटेंट हमारा है, डिस्प्ले भी हम कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी हम कर रहे हैं, बट जो फ्रेमवर्क
और जो पोर्टल हमें उसने प्रोवाइड किया वो क्या है, पावर पॉइंट। सेम लाइक दिस एक सर्वर होता है, उसके ऊपर हम वेबसाइट डिज़ाइन भी हम ही करते हैं, डेवलप हम करते हैं, यूज़र्स भी हम ही होते हैं, बट वो एक ऐसा पोर्टल होता है, एक ऐसा सर्वर होता है जिसके ऊपर हमारा कंटेंट पड़ा होता है, ठीक है। और उसी के ऊपर जो एडमिन्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो अपना कंटेंट राइट करते हैं, रीड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और यूज़र्स जो हैं वो वहाँ पर जाकर रीड करते हैं, तो वो एज अ थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। सर्वर होता है हमारा एज अ डेटा बेस कह सकते हैं आप, कि हम यूज़र्स और एडमिन्स दोनों के लिए वो एक डेटा बेस होता है। एडमिन्स वहाँ पर डाटा स्टोर कर रहे होते हैं और यूज़र्स वहाँ से डाटा रीड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ प्राइमरली कोडेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। सो फ्रेंड अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा ये लेक्चर इस टाइम पे डिस्कस करने का क्या मकसद था। मैं यही चीज़ चाह रहा था कि आपको उन्हीं चीज़ों का बताया जाए जिनका आपको पहले से नॉलेज मिल चुका हो, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इट्स मीन HTML। अब आपको पता चल गया है एक स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो प्राइमरली कोड होती है किसके अंदर, HTML के अंदर, और जो कि हमने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। और ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप लोगों का एटलीस्ट कुछ रिमाइंड में आ गया है, कुछ माइंड में रिमाइंड हो गया आपको कि अब HTML क्या चीज़ है, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS, ऑब्वियसली यू नोज वेरी वेल। CSS आर यूज टू कंट्रोल अपेयरेंस बियंड बेसिक HTML। अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया है CSS का भी कि CSS क्या कर रही होती है। CSS हमारे अपेयरेंस को कंट्रोल कर रही होती है बियंड बेसिक HTML, HTML के बिहाइंड, ठीक है। यानी कि HTML तो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट होता है जो हम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, और उसको हम अपेयरेंस उसको देने के लिए, उसको फिजिकल शेप देने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए, स्टाइल देने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, CSS को। इमेजेस आर कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट द डिजायर्ड अपेयरेंस एंड एज अ पार्ट ऑफ द मेन कॉन्टेंट। इसका भी आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि अब इमेजेस क्या रोल प्ले कर रही होती हैं। इमेजेस हमारी वेबसाइट का मेन कॉन्टेंट होता है, ठीक है, जो कि हाफ ऑफ आवर पर्पज, जो हमारा मेन 50% जो हमारा पर्पज होता है वेबसाइट का, वो हमारी इमेजेस डिफाइन कर रही होती हैं, ठीक है। ऑडियो और वीडियो माइट आल्सो बी कंसिडर्ड स्टैटिक कंटेंट। अब आप ये कह सकते हैं कि ऑडियो और वीडियो वो तो एक मतलब एक फंक्शनल चीज़ है, ठीक है। वीडियो पर क्लिक करते हैं वीडियो प्ले हो जाती है, ऑडियो पर क्लिक करते हैं ऑडियो प्ले हो जाती है, ठीक है। अब ये स्टैटिक तो ना होगी, और मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स के अंदर स्टैटिक का मीन भी समझा देता हूँ, वो हमने फर्दर जो स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अब ऑडियो और वीडियोस जो होती हैं, अगर वो किसी वेब पेज पर आप ऑडियो देखते हैं वीडियो देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैटिक वेबसाइट नहीं है, या वो मतलब कुछ उसके बैकएंड पे कुछ हो रहा है, नो, ठीक है, वो भी एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। ऑडियो और वीडियोस भी हम HTML के अंदर ही अपलोड कर सकते हैं, HTML के अंदर ही हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ इट प्लेज ऑटोमेटिकली और इज़ जनरली नॉन इंटरेक्टिव, अगर ये ऑटोमेटिकली भी प्ले हो रही हैं और नॉन इंटरेक्टिव यानी कि आप उसको क्लिक करने पर ही प्ले कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसकी स्टैटिक वेबसाइट के अंदर ही आती हैं। दिस टाइप ऑफ वेबसाइट यूजली डिस्प्लेज द सेम इंफॉर्मेशन टू ऑल विजिटर्स सिमिलर टू हैंडिंग आउट अ प्रिंटेड ब्रोशर टू अ कस्टमर और क्लाइंट्स। फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि आपने एक सिंपल ब्रोशर का आपको पता है, नहीं भी पता तो एक पोस्टर आप कह सकते हैं इसको, न्यूज़पेपर कह सकते हैं इसको, कि आपने एक किसी पर्सन के हाथ में पकड़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर से वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय उसको रीड आउट करने के, उस पर जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है उसको रीड आउट करने के, उससे बेनिफिट लेने के, और उसके अलावा उसका कोई फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब यही होता है कि एक कलेक्शन होती है वेब पेजेस की, जो एक बार हम रेडी करके HTML CSS के थ्रू उसको पब्लिश कर देते हैं किसी सर्वर के ऊपर, ठीक है, और उस सर्वर के ऊपर यूज़र जो है वो इसको विजिट कर सकता है, रीड आउट कर सकता है, ब्राउज कर सकता है, एंड इट्स इनफ, ओके। एंड फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डायनामिक वेबसाइट। अ डायनामिक वेबसाइट इज़ वन डेट चेंजेस और कस्टमाइज इट्सेल्फ फ्रीक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब अब ये है कि हमने स्टैटिक वेबसाइट के अंदर तो लर्न किया कि वो चेंजेस रिक्वायर करती हैं मैनुअली, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़े तो हमें मैनुअली उसको चेंज करना पड़ेगा, बट जो डायनामिक वेबसाइट होती हैं वो ऐसा नहीं होती, ठीक है, वो अब खुद से मतलब उसके अंदर जो भी चेंजेस, अगर यूज़र ने कोई बटन प्रेस किया और उसके अंदर उसका कलर चेंज होने वाला है, पूरी पूरी थीम का कलर, पूरी वेबसाइट का कलर चेंज होने वाला है, और यूज़र उसको बटन प्रेस करता है तो वो थीम का कलर
चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है स्टैटिक वेबसाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट रिक्वेस्ट की बेस पर, यूजर की रिक्वेस्ट की बेस पर खुद को ऑटोमेटिकली चेंज कर रही है। उसका कोड ही इस तरह से किया जाता है, उसको बैकएंड से इस तरह से स्क्रिप्टिंग की जाती है कि यूजर के क्लिक करने पर इवन के वो पूरी पूरी वेबसाइट भी चेंज हो सकती है। तो ये एक टाइप होती है डायनामिक वेबसाइट की। सर्वर साइड डायनामिक पेजेस आर जनरली जनरेटेड ऑन द फ्लाई बाय कंप्यूटर कोड दैट प्रोड्यूस द एचटीएमएल सीएसएस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस एंड दिस आर स्टैटिक फाइल्स। अब आप ये कह सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट को आप डायनामिक नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और डायनामिक वेबसाइट को आप स्टैटिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायनामिक वेबसाइट के अंदर जो पेजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो वेबसाइट, वो तो बेसिकली होती स्टैटिक ही है। स्टैटिक वेबसाइट को ही हम मैनिपुलेट करके डायनामिक बना रहे होते हैं, बट हम डायनामिक को स्टैटिक नहीं बना सकते, ओके। और इसी के अंदर HTML भी यूज़ हो रही होती है, CSS भी यूज़ हो रही होती है, ठीक है, बट ये एडवांस लेवल पे होती है। देर आर अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स सच एज CGI, JS, JSP, एक्टिव सर्वर पेजेस, CFML दैट आर अवेलेबल टू जनरेट डायनामिक वेबसाइट्स एंड डायनामिक सिस्टम्स एंड वेबसाइट्स। फ्रेंड्स, ये कुछ सर्वर्स होते हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं हमारे पास, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने डायनामिक पेजेस को, अपनी डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए HTML CSS इनफ होती है, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज के साथ, बट जब हम उसको डायनामिकली मूव करते हैं तो फिर हमें इन सब सेटअप्स की ज़रूरत होती है, नीड पड़ती है, ओके फ्रेंड्स। सो वेरियस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स एंड वेब टेम्पलेट सिस्टम्स आर अवेलेबल फॉर जनरल यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पर्ल, PHP, पाइथन एंड रूबी टू मेक इट फास्टर ईजियर टू क्रिएट कम्प्लेक्स डायनामिक वेबसाइट्स। ये सारे के सारे सर्वर्स के नेम हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस के नेम हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं। सो अब आपको डिफरेंस बताते हैं कि स्टैटिक और वेबसाइट का डिफरेंस क्या है, ओके फ्रेंड्स। जो स्टैटिक वेबसाइट है वो जस्ट लाइक अ मैगजीन ब्लॉग, आप उसको सिर्फ ब्राउज कर सकते हैं, सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं, एक मैगजीन की तरह, एक न्यूज़पेपर की तरह, एक ब्लॉग की तरह, ओके। और उसके ऊपर उसका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, नॉन फंक्शनल होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड चेंजेस मैनुअली, यानी कि उसके ऊपर अगर आपको कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं तो आप उसको मैनुअली चेंज करेंगे, ओके। एंड डायनामिक वेबसाइट किस तरह की होती है, लाइक ऑनलाइन स्टोर, जैसे आपने कोई शॉपिंग स्टोर देखे होंगे, ओके, पोर्टल कोई होगा, वो डायनामिक वेबसाइट की टाइप होती है, ठीक है, कम्प्लीटली फंक्शनल होती है, उसके जो भी उसके ऊपर मतलब एक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शनल होते हैं, कोई भी स्टैटिक टाइप नहीं होता। ऑटोमेटिकली चेंजेस ऑन रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट करने के ऊपर वो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, आपको लर्निंग के लिए मिला होगा। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में ये लर्न करेंगे कि वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं, ओके, और वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसी वीडियो के अंदर कर सकते थे बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ओके फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ओके फ्रेंड्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।